हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे नए ब्लॉग में। और मैं अभी जयपुर में बैठा हूँ। कुत्ता आ गया, कुत्ता घुस गया। आपको कैसा लगा? पहले तो घर पे कुत्ता अंदर जाता ही नहीं है गेट के, और यहाँ कुत्ता अंदर तक आ गया है तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है सब कुछ। लो भाई, मस्त वाली धूप निकल गई है, गर्मी हो गई है थोड़ी थोड़ी। आ गया हूँ मार्केट में सब्जी वब्जी लेने के लिए। दो नारियल ले लिए अपन ने, किसी का केले का और अनार का, तीन जूस थे, तीनों ही अपने को नहीं पीने हैं। अब और कहीं देखेंगे, और कहीं मिलता है तो वहाँ से लेंगे। सामान रख दूँ? सामान ले आओ जाके, खोए और नमकीन ले आओ। ले आओ, आप जाओ, घूम भी तो रहे हो। ऊपर जाने की तैयारी थी हमारी, बैठे यहाँ पे सोसाइटी में। दो दो गाड़ियाँ खड़ी है नई, सेम टू सेम, वो पुरानी आगे वाली, ये नहीं है। स्कूल में जाते थे हम, लाल, पीली और नीली, तीन तरह कलर की गाड़ियाँ देखते थे ना, पहले बहुत शुभ मानते थे। ओहो, आज हमने पूरा तीन कलर की गाड़ी, पूरे तीन कलर की गाड़ी देखी है आज हमने। क्या हुआ? मैं से बताओ। देखो दोस्तों, कौन सा अच्छा लग रहा है बताना जरा। विच वन यू लाइक, देन जस्ट ओके, डन 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 डन। ये भी लगवा लिया आगे से, 100 150। प्लीज ओपन द डोर। वाह, फुटबॉल का मैच चल रहा है, बड़ी खतरनाक फुटबॉल खेल रहे हैं। बिल्कुल हाईटेक तरीके से सफाई हो रही है, नई नई मशीनें आ गई हैं। अगर हम रहते थे तब तो हाथ से ही करते थे। शहर के भ्रमण के लिए अब चल रहे हैं अपन, ये सबके पता सिखाने की मन में आ रही है। क्या होने वाला है कॉम्पिटिशन, खतरनाक वाला, कौन ज्यादा खाता है ये देखेंगे हम। टारगेट दिया है 200 की पताची, 100 रुपए की इनको और 100 रुपए की इनको, 30-30 पर निपट रहा दिखाएगा हमारा, 30 पे निपट जाएगा। 26 जनवरी की पोशाक पीना है, पाइन एप्पल इसको पीना है, पपीता शेक, तिरंगा नीचे पड़ा है और लोग इसको पैरों में रोंद रहे हैं, इसको अपन उठा लेते हैं। स्पष्ट रूप से अपमान है, तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सब लोग हो सकता है गाड़ियों में लगाने के लिए, बाइक पर लगाने के लिए तिरंगा खरीदेंगे और फिर इस तरह सड़क पे फेंक देंगे तो कैसे काम चलेगा। सभी से यही गुजारिश रहेगी कि तिरंगे को कृपा करके सड़क पे ना फेंके, अगर आप लें तो उचित स्थान पर लगा के रखें, इसका सम्मान करें। तो खाना वाना कुछ आज खाएंगे नहीं, भूख नहीं है, खाना दोपहर में खा लिया था इसलिए भूख नहीं लगी। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। धन्यवाद।